Hello again, myself Arish Soni. I am assistant professor in L.A. Mishra College of Business and Management, among Muzaffarpur, Bihar, India. Now, today I am going to take a class on the topic of interface. This is the CS203 papers, Object-Oriented Programming, MCA second semester. तो इस वीडियो में हम लोग जो है इंटरफेस के बारे में देखेंगे. लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने इनहेरिटेंस के बारे में देखा था और समझा था कि इनहेरिटेंस कैसे काम करते हैं. और लास्ट के वीडियो में हमने बताया था कि क्लास बेस पे आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो जावा में अवेलेबल नहीं है, यानी कि जावा जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लास बेस पे जो है सपोर्ट नहीं करता है. और जावा जो है एक दूसरा टेक्निक प्रोवाइड करता है जिसको हम लोग इंटरफेस के नाम से जानते हैं. और इंटरफेस जो है वो आपका इंटर मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है. उस टेक्निक को हम यहाँ पे आज समझेंगे. तो सबसे पहले हम डिफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं कि इंटरफेस है क्या और कैसे काम करता है. तो डिफिनेशन आपका बता रहा है कि एन इंटरफेस इज ए सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन दैट अदर क्लास मस्ट इम्प्लीमेंट. यानी कि ये एक तरीके का डिक्लेरेशन होता है. इंटरफेस में का यूज हम लोग मेथड्स को या फिर वेरिएबल्स को डिक्लेरेशन के लिए यूज करते हैं. और ये जहाँ जहाँ यूज होगा वहाँ पे इस वेरिएबल्स और मेथड का जो है वो डिक्लेरेशन और डिफिनेशन मस्ट हो जाता है वहाँ पे यूज करते हैं. एन इंटरफेस कैन इंक्लूड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड कॉन्स्टेंट. यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंटरफेस जो है वो आपका कॉन्स्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए भी यूज करते हैं और साथ साथ जो है हम लोग मेथड के डिक्लेरेशन के लिए भी यूज करते हैं जहाँ पे मस्ट है इंप्लीमेंट करना. एक चीज़ ध्यान देंगे, सी और सी प्लस प्लस वो भी हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम ही है और लैंग्वेज है. तो सी प्लस प्लस में भी हमारे पास जो है कॉन्स्टेंट बनाने के लिए कीवर्ड्स डिक्लेयर किए गए. वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं कॉन्स्ट नाम का की और स्टैटिक कीवर्ड के थ्रू भी हम लोग डिफाइन करते हैं मल्टीपल्स सिंगल वेरिएबल को टू यूज मल्टीपल्स. यहाँ पर हम लोगों को जो है फाइनल कीवर्ड का यूज़ करके हम लोग कॉन्स्टेंट डिक्लेयर करते हैं. ये जवाब में हम लोग जानते हैं, हमने इसका नोट्स दे दिया है. अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम ये जो है इंटरफेस कैसे बनाएंगे. इंटरफेस बनाने के लिए हम लोग कीवर्ड इंटरफेस ध्यान देंगे. यहाँ पर कीवर्ड इंटरफेस यानी कि इंटरफेस कीवर्ड का यूज करते हैं और इंटरफेस नेम देंगे जो भी हमारा जो है नेम सिस्टम बनाना है अकॉर्डिंग टू रूल्स. और उसके बाद हम लोग कॉन्स्टेंट क्लियर करते हैं और मेथड का डिक्लेरेशन होता है. ध्यान देंगे इंटरफेस के अंदर जो है वो मेथड का डिफिनीशन नहीं होता, यानी कि बॉडी नहीं होगा, मेथड का बॉडी नहीं लिखा जाता है बल्कि मेथड का सिर्फ डिक्लेरेशन होता है. ये जहाँ पे भी इनहेरिट होगा वहाँ पे उस मेथड को, जिस मेथड को आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया है वहाँ पर वो मस्ट भी राइट करना पड़ेगा. इसलिए कि वहाँ पर अगर आप डिफिनीशन नहीं देते हैं तो वो आपका क्लास जहाँ पे भी हम लोग जो इनहेरिटेंस इंटरफेस को इनहेरिट कर सकते हैं क्लास के अंदर भी और इंटरफेस को इनहेरिट कर सकते हैं दूसरे इंटरफेस के अंदर. तो जहाँ पे भी ये इंटरफेस इनहेरिट होता है उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना देता है. तो वहाँ पे ये डिक्लेयर करना मस्ट हो जाता है, आपका डिफिनेशन लिखना मस्ट हो जाता है आपके इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर किए गए. दूसरा चीज़ है कुछ पॉइंट्स है जिसको हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं. जब भी हम इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं तो आप देखेंगे बराबर कि इंटरफेस डिज़ाइन करने में प्रोग्राम को जब आप रन करेंगे तो मैक्सिमम टाइम जो है एरर प्रोड्यूस हो जाता है. उसका रीज़न क्या है कि इंटरफेस जब भी हम डिज़ाइन करते हैं तो कुछ सावधानियाँ हम लोगों को वहाँ पर रखना चाहिए. कुछ पॉइंट्स हमारे होते हैं जिन्हें मेमोराइज होना चाहिए, अदरवाइज हमारा प्रोसेस लगता तो है कि सही हम कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे वो एरर्स शो करने लगते हैं. उसका कारण क्या है, उस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे जो है देखेंगे और इसको हमेशा याद रखेंगे. वी कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस. पहला पॉइंट ये है कि हम लोग इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते. एक बार स्टूडेंट क्या होते हैं कि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ये आपका जो प्रोविजन है ये नहीं जवाब. यानी कि आप इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं बल्कि इंटरफेस का रिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं. यहाँ पे छोटा सा हम एग्जांपल दें. अगर मान लिया कि आप इंटरफेस बनाया, सपोज कीजिए कि आप एक इंटरफेस बना रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं, आपने एक इंटरफेस बनाया इंटरफेस कैलकुलेटर के नाम से और
इस कैलकुलेटर के अंदर में आपने एक वेरिएबल रखा है, जैसे कि आपने int num1 इसका टू पाई, num2 इसका टू टेन, ये दो आपने वेरिएबल रखा। एक आपने मेथड बनाया है void calculate नाम से। अब यहाँ पर ये इंटरफेस के अंदर डिक्लेरेशन है आपके इंटरफेस का। अगर आप कोशिश करेंगे, जैसे कि यहाँ पे कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर और आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करें, जैसे कि सी वन इसका न्यू कैलकुलेटर, तो यहाँ पे एक एरर प्रोड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसा आपका जो है पॉइंट्स बोल रहा है कि वी कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस, यानी कि इंटरफेस का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आप कोशिश करेंगे तो एरर प्रोड्यूस हो जाएगा। आप इंटरफेस का रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि आप ये काम कर सकते हैं, कैलकुलेटर दिस इज द नेम ऑफ इंटरफेस, और आप सीवन नाम का जो है एक रेफरेंस एक वेरिएबल बना सकते हैं, इसको हम रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं जावा में, दिस इज रेफरेंस वेरिएबल। तो रेफरेंस वेरिएबल आप क्रिएट कर सकते हैं बट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। पॉइंट वन क्लियर हो गया। पॉइंट टू देखते हैं, एन इंटरफेस हैज एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड कॉन्स्टेंट। वही बात है कि इंटरफेस के अंदर जो है आपका मेथड का डिक्लेरेशन होता है, डिफिनेशन नहीं होता है। मीन्स कि अगर आप इंटरफेस के अंदर कोई मेथड वन टू और मोर देन इंटर मेथड्स आप अगर क्रिएट कर रहे हैं, तो सिर्फ उसका वहाँ पर क्या होगा, सिर्फ आपका मेथड का डिक्लेरेशन होगा, डिफिनीशन नहीं होगा, ये एब्स्ट्रैक्ट टाइप होता है। उसी तरीके से अगर आप कोई वेरिएबल्स बना रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमने इंटीजर का दो वेरिएबल बनाया है नम वन और नम टू के नाम से, और हमने साथ साथ वैल्यू भी इनिशियलाइज कर दिया। अगर आप इनिशियलाइज नहीं कर करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जावा जो है डेटा टाइप के अकॉर्डिंग जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर कर लेता है। तो अगर आप यहाँ पे डाटा नहीं डालेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट 00 से इनिशियलाइज हो जाएगा। और चूंकि ये इंटरफेस के अंदर का वेरिएबल्स है, तो ये जो है कांस्टेंट बन जाएगा, यानी कि यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल। प्रोग्राम में अगर आप इसको आगे चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो अगेन ये चेंज नहीं होगा और एरर प्रोड्यूस करेगा, और इस एरर में जो है आपको फाइंड आउट करके जो है इसको ठीक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्चुअली डिक्लेरेशन जो हम करते हैं इंटरफेस के अंदर, अगर हम कोई ऐसे नहीं लिखते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड्स होते हैं, जैसे कि आपका ये मेथड्स है, ये आपका वेरिएबल्स है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होता है, यानी कि वेरिएबल्स पब्लिक होते हैं, मेथड भी पब्लिक होते हैं। अगर आप नहीं लिखेंगे तो ये पब्लिक ऑटोमेटिक हो जाएगा पब्लिक, और वेरिएबल के पहले जो है पब्लिक फाइनल, यानी कि आपका जो भी कॉन्स्टेंट बनता है, हम जानते हैं कि फाइनल कीवर्ड्स के थ्रू बनता है, यानी कि इंटरफेस के अंदर अगर हम आपको सिर्फ int num1 वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो जावा जो है बाय डिफ़ॉल्ट उसे पब्लिक और फाइनल जो है वेरिएबल को बना देता है, और आपका जो है कैलकुलेटर कोई मेथड है, मेथड को जो है अगर हम डिक्लेयर नहीं भी करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पब्लिक बन जाता है। अगेन तीसरा आपका जो है सिमिलर टू एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस हेल्प टू अचीव एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि जिस तरीके से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट, हमारे पास जावा में एब्स्ट्रैक्ट नाम का एक कीवर्ड भी है, तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के बारे में हम जानते हैं कि किसी क्लास के पहले अगर हमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दिया, तो वो पूरा का पूरा क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाता है। तो हमारा जो है यहाँ पे जावा में भी कह रहा है इंटरफेस के अकॉर्डिंग कि सिमिलर टू एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस हेल्प टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि अगर आपको क्लास के थ्रू अगर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के थ्रू क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, तो एब्स्ट्रैक्ट की का जो है यूज करेंगे। अगर आप इंटरफेस के थ्रू भी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो इट कैन ऑल्सो क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास बाई द इनहेरिट ऑफ एनी इंटरफेस। तो किसी भी इंटरफेस को अगर आप इनहेरिट कर लेते हैं किसी क्लास में, तो बाई डिफ़ॉल्ट वो जो है उसका नेचर जो है वो चेंज होकर एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, एब्स्ट्रैक्शन नेचर का हो जाता है, जब तक आप उन सारे मेथड को जो भी आपने इंटरफेस के अंदर मेथड को डिक्लेयर किया है उसको फिर से रीडिफाइन अपने उस क्लास में न करें। तीसरा हमारा चौथा पॉइंट है हमारा कि इंटरफेस आर ऑल्सो यूज टू अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो हमने डिस्कस किया था लास्ट के जो है वीडियो में कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो जावा क्लास बेस पे सपोर्ट नहीं करता, यानी कि अगर नंबर ऑफ क्लासेज है
और अगर आप जो है मोर देन टू बेस क्लास या सुपर क्लास यू वांट टू इनहेरिट इन ए सिंगल क्लास, इट नॉट पॉसिबल थ्रू क्लास मेथड, यानी कि क्लास के थ्रू आपको ये मेथड जो है पॉसिबल नहीं है। रीज़न क्या है, क्योंकि जावा जो है क्लास बेस पे इंटरफेस इनहेरिटेंस को जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता, बट यू कैन ऑल्सो टेक दिस टेक्निक थ्रू इंटरफेस, यानी कि आप इस टेक्निक को जो इंटरफेस के थ्रू हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट मल्टीपल इनहेरिटेंस बहुत सारे ऐसे जो है टास्क है जो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करते हैं, या फिर उसका नेचर वैसा होता है एक सॉफ्टवेयर जब हम डेवलप करेंगे तो नेचर आपको फाइंड हो आउट होकर आएगा कि यहाँ को मल्टीपल इनहेरिटेंस की जरूरत पड़ रही है। तो वैसे केस में हम लोग क्लास बेस में बनाकर उसे इंटरफेस बेस डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद उसको मल्टीपल इनहेरिटेंस के थ्रू हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर ध्यान दें कि एक की है, जैसे कि अगर हम इनहेरिट करते हैं एक क्लास को दूसरे क्लास में तो वहाँ पे हम लोग एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं, लेकिन अगर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना हो तो ऐसे केस में हमारा जो इंप्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करेंगे। ये कीवर्ड है, यानी कि आपको इनहेरिट करना हो इंटरफेस को तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंप्लीमेंट कीवर्ड्स का यूज करेंगे। अगर हमें क्लास इनहेरिट करना हो तो एक्सटेंड का यूज करेंगे, अगर इंटरफेस इनहेरिट करना हो तो इंप्लीमेंट करेंगे इंप्लीमेंट्स कीवर्ड का। तो द इंप्लीमेंट्स कीवर्ड इज यूज टू इनहेरिट द इंटरफेस, यानी कि इंटरफेस को इनहेरिट करने के लिए इंप्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज किया जाता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं, छोटा सा जो है देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इंटरफेस डिजाइन करते हैं और उसके बाद जो है हम लोग कैसे उसको इनहेरिट करते हैं। इस चीज़ को करने से पहले छोटा सा जो है आइडिया हम ले लेते हैं। तो छोटा सा आइडिया क्या है कि हमारा जो है जावा के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि हमारे पास जावा में इंपोर्ट स्टेटमेंट भी होते हैं, पैकेज स्टेटमेंट भी होते हैं, इंटरफेस स्टेटमेंट भी होते हैं, क्लास का स्टेटमेंट भी होता है, फिर अगेन कौन सा क्लास पब्लिक बनेगा कौन सा पब्लिक नहीं होगा ये भी आपका एक कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि जब भी आप एक फाइल बनाते हैं एक फाइल क्रिएट करते हैं अगर उसमें पैकेज भी है इंटरफेस भी है क्लास भी है मेन फंक्शन भी है तो फिर आपको जो है स्ट्रक्चर को प्रॉपर तरीके से राइट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपका जो है अगर क्लास स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो सारे प्रोग्राम के कोड सही होने के बाद भी जो है एरर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं, जैसे कि अगर हमें जो है स्ट्रक्चर ऑफ देखते हैं पहले स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जावा में हम लोग इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखते हैं। पहला हमारा काम क्या हुआ, इंपोर्ट स्टेटमेंट, यानी कि वैसे सारे इंपोर्ट स्टेटमेंट आपको सबसे टॉप में लिखे जाएंगे जिसमें जिसका यूज आप अपने प्रोग्राम में कर रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर आप मैथ का यूज कर रहे हैं तो आपको मैथ पैकेज को इंपोर्ट करना होगा तो इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख लेंगे। अगर आप मान लीजिए इनपुट कर रहे हैं डिफरेंट मेथड से थ्रू, सपोज कीजिए कि आप स्कैनर क्लास के थ्रू कर रहे हैं तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, क्या इंपोर्ट करना होगा यूटिल जावा का, तो वो आपको पहले लिखना पड़ेगा, यानी कि इंपोर्ट स्टेटमेंट टॉप ऑफ द फाइल होगा, यानी कि टॉप में आपको लिखा जाएगा। दूसरा आपका जो है पैकेज स्टेटमेंट, पैकेज यानी कि अगर आपके प्रोग्राम में पैकेज भी है क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप पैकेज भी बना रहे हैं तो ऐसे केस में आपको जो है सेकंड स्टेटमेंट पैकेज को क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा पैकेज स्टेटमेंट सेकंड। अगेन तीसरा आपके पास है रिसीव इंटरफेस स्टेटमेंट, इंटरफेस यानी कि अगर आपके प्रोग्राम में इंटरफेस भी है और पैकेज भी है तो पैकेज का स्टेटमेंट ऊपर में लिखा जाएगा इंटरफेस का उसके बाद। अगर ये आप रिवर्स कर देते हैं यानी कि पैकेज नीचे लिख देते हैं इंटरफेस ऊपर लिख देते हैं, प्रोग्राम के सारे कोड सही होने के बाद भी प्रोग्राम में एरर चल जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। अगेन चौथा क्लास, क्लास स्टेटमेंट यानी कि अगर मानिए आपके फाइल में नंबर ऑफ क्लासेज हैं मोर देन वन क्लासेज है तो वैसे केस में आपको वैसा क्लास जिसमें मेन फंक्शन नहीं है उसको आपको पहले लिखना है, मेन फंक्शन वाले को सबसे लास्ट में लिखते हैं, वैसा क्लास जो मेन फंक्शन मेथड जो है होल्ड किए हुए वैसे क्लास को हमें लास्ट में लिखना। पांचवा आपका हो जाएगा क्लास
that contains main meter, यानी कि आपका जो है लास्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम जब भी बात जावा का प्रोग्राम बनाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम प्रोग्राम जो है सबको चाहिए कि नेम प्रिंट करने के लिए अगर आप प्रोग्राम बनाते हैं तो फिर आपको सिर्फ मेन मेथड लिखते हैं और आपका प्रोग्राम काम कर जाता है, क्योंकि ये सारे के सारे ऑप्शनल हैं, ये ऑप्शनल है, यानी कि आपका इम्पोर्ट स्टेटमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये भी ऑप्शनल है, पैकेज हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगेन आपका इंटरफेस, अभी तक हम इंटरफेस नहीं जान रहे हैं तो ये भी आपका जो है ऑप्शनल हो सकता है। अगेन क्लास हो सकता है कि एक ही क्लास हो जिसमें मेन फंक्शन मेन मेथड हो, तो ये भी आपका जो है ऑप्शनल हो सकता है। बट एक आपका जावा का एक फाइल होगा जिसमें मेन फंक्शन होगा, ये एसेंशियल होगा, ये क्या होगा, यानी कि आपका मेन फंक्शन होल्ड किया हुआ क्लास एसेंशियल होता है। तो यहाँ पर अब सीक्वेंस हम लोग समझ गए हैं कि जब भी इंटरफेस बनाएंगे, अगर अपने फाइल में अगर हम इंटरफेस बनाते हैं तो हमारा इम्पोर्ट स्टेटमेंट पहले होगा, उसके बाद हमारा पैकेज होगा, पैकेज तो अभी हम लोग देखने नहीं, इसके बाद हम लोग पैकेज स्टार्ट करेंगे, तो हम ये समझ चुके रहेंगे कि हमारा पैकेज कब कहाँ राइट करना है और इंटरफेस कहाँ राइट करना है। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस हम ध्यान रखेंगे, इसी सीक्वेंस में प्रोग्रामिंग होगा। तो पैकेज स्टेटमेंट में ये छोड़ देंगे, इंटरफेस बनाना है तो इंटरफेस होगा, क्लास अगर होगा तो क्लास लिखेंगे, और वो ऐसा मेथड जिसमें मेन मेथड होंगे, वैसा क्लास जिसमें मेन मेथड होंगे तो उस मेन मेथड को लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एक इंटरफेस बनाते हैं और उसको इनहेरिट करके, यानी कि इंप्लीमेंट करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा इंटरफेस काम कर सकता है। आइए प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले एक इम्पोर्ट स्टेटमेंट फाइल में रख रहे हैं। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, ये जो क्लास हमने बनाया है, अगर मान लें कि आपके फाइल में पैकेज भी है, इंटरफेस भी है, इम्पोर्ट स्टेटमेंट भी है, और दो क्लास है, एक क्लास आपका जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, दूसरा मेन मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वैसे केस में हम लोग जो है इस क्लास को किस क्लास को किस नाम से फाइल को सेव करेंगे, तो ऐसे केस में हम लोग ये जो मेन मेथड जो होल्ड किए हुए क्लास है उसको हम लोग क्या करेंगे, उस नेम से फाइल सेव करेंगे और इस क्लास को हम लोग पब्लिक बनाएंगे, इस क्लास का जो स्टेटमेंट पब्लिक करेंगे। क्यों? क्योंकि वैसे क्लास जहाँ पे मोर देन वन क्लास को किया हो वैसे फाइल, तो हम लोग को स्पेसिफाई करना पड़ता है कि किस फाइल के थ्रू, यानी कि किस क्लास के थ्रू आपका ये फाइल सेव होगा। हम लोग पब्लिक की का यूज करके उस फाइल में, जैसे कि हमने ये क्लास बनाया, अगर ये क्लास सपोज कीजिए ये क्लास हमारा कैलकुलेटर का होता है, तो हम लोग इसमें ये आपका मेन मेथड होता पब्लिक स्टैटिक वैर नेम, तो ऐसे केस में हमारा जो है वैसे केस में हमारा ये क्लास पब्लिक बनता और इसके पहले वाले क्लास बाई डिफॉल्ट होते हैं। हम जानते हैं जावा में जो है चार तरीके के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब हो गया कि यू कैन एक्सेस योर कोड और योर क्लास और योर वेरिएबल थ्रू दीज डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक। तो यानी कि जो भी आपने एक्सेस स्पेसिफायर के थ्रू डिक्लेयर कर दिया है तो वो उसके अकॉर्डिंग ही बताएगा आपके प्रोग्राम की एक्सेसिबिलिटी को। तो हमारे चार कौन कौन से एक्सेस स्पेसिफायर हैं, तो पहला हो गया प्राइवेट। यहाँ प्राइवेट अगर किसी वेरिएबल को, किसी मेथड को या फिर किसी क्लास को अगर डिक्लेयर कर देते हैं, इट मीन्स इट कैन नॉट बी एक्सेसिबल, यानी कि एक्सेसिबल नहीं होगा। दूसरा हमारा होता है प्रोटेक्टेड। तो ये जो है इनहेरिटेंस के केस में, जब हमारा जो है एक लेवल से दूसरे लेवल पे किसी वेरिएबल या मेथड को इनहेरिट करने देना होता है, तो ऐसे केस में हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा जो है ये आगे चल के इनहेरिट होगा या नहीं, तो ऐसे केस में हम लोग प्रोटेक्टेड कीवर्ड का यूज करते हैं। तीसरा हमारा होता है पब्लिक, इसका मतलब होता है एक्सेस टू ऑल, यानी कि ये सारे जो है क्लास के थ्रू भी, इंटरफेस के थ्रू भी, किसी के थ्रू ये एक्सेसिबल होगा। और चौथा जिसका की नहीं है, ध्यान रखेंगे उसका कोई जो है कीवर्ड नहीं है, वो होता है फ्रेंडली। फ्रेंडली कीवर्ड का यूज, कीवर्ड नहीं है, आप जब किसी वेरिएबल या फिर किसी मेथड के पहले कोई भी कीवर्ड नहीं यूज करते हैं, तो वैसे केस में हमारा वो फ्रेंडली।